छठ पूजा को लेकर भलसवा झील की कराई गई सफाई, दिल्ली के एलजी ने दी जानकारी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसलिए राजधानी के कई इलाकों में घाटों को साफ कराया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने छठ पूजा से पहले भलसवा झील का निरीक्षण किया। लोगों को पूजा के समय साफ सुथरा स्थान मिल सके, इसीलिए भलसवा झील को साफ किया गया है। इस झील की सफाई 10 दिनों के भीतर की गई है। नोएडा से दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले सावधान, 2 दिन के लिए बदलेगा ट्रैफिक प्लान। अगले 2 दिन कालिंदी कुंज मार्ग से गुजरने वालों के लिए जरूरी खबर है। यहां पर छठ पूजा की तैयारियों को लेकर पुलिस की ओर से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल यमुना के किनारे करीब 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आपको यहां पर बता दें कि छठ पूजा की तैयारियों को पुलिस और प्रशासन की ओर से अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके मद्देनजर ट्रैफिक नियम में ये बदलाव किया गया है। हरियाणा पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित। हरियाणा में पंचायत चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण में शेष 4 जिलों में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में जिला परिषद व ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा। पंच सरपंचों के लिए वोट 25 नवंबर को पड़ेंगे। कहीं पर जिला परिषद व ब्लॉक समितियों के लिए दोबारा मतदान की नौबत आई तो फिर 25 नवंबर को ही पुनर्मतदान किया जाएगा। लुधियाना नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज, बैठक कर रणनीति बनानी शुरू। लुधियाना नगर निगम के चुनाव अगले 2-3 माह में होने वाले हैं, इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। प्रमुख विपक्षी दलों ने एक तरफ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर खाते अपनी चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से चुनावों को लेकर सक्रिय है। पंजाब में प्लास्टिक अवशेष से विकास कार्यों को गति, भटिंडा में तैयार की जा रही है सड़क। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्लास्टिक अवशेष के निपटारे और इसका प्रयोग विकास कार्यों में करने पर काम कर रही है। इसी के तहत नगर निगम भटिंडा ने एक नई पहल करते हुए प्लास्टिक अवशेषों से सड़क बनाने का काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का प्रयोग सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक अवशेष की समस्या का निपटारा करने में इनको सफलता मिलेगी, जिससे पर्यावरण को साफ सुथरा और प्रदूषण रहित भी बनाया जा सकेगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।